गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और ये मेरा चैनल है। भाई 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 मेरा भी है, हमारा चैनल है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। मेरा नाम है कार्तिक और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल लाइफस्टाइल गेमर्स में, जिसमें हम पबजी गेम प्ले करते हैं, साथ में व्लॉग्स भी दिखाएंगे आप लोग। आज हमने एक व्लॉग शूट करा है, वो आप वीडियो में देख ही लेंगे आगे। तो हम, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। एंड अगर आपको कोई भी हमारी वीडियो में कमी लगती है तो प्लीज आप हमारे को कमेंट्स पर डाल के हमारे रिव्यू दे सके, ताकि हम आगे अपना चैनल में कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट डाल सके, हम आपके लिए अच्छे ब्लॉग्स बना सके, हम आगे बहुत कुछ इम्प्रूव कर सके। तो थैंक यू। अब आगे आप वीडियो देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग एक ब्लॉग कर रहे हैं जिसमें हम लोग जा रहे हैं मालचा महल। टाइम हो रहा है सुबह के 4:50 एंड यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है मालचा महल। एंड ये दो हमारे पार्टनर्स हैं। हेलो, लेफ्ट वाले शॉन एंड राइट वाले सनी भी है हमारे। तो आप देखिए, बताइएगा कैसा लगा। देखते रहिए ब्लॉग, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। सो हमारे शॉन भाई के कुछ दोस्तों का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि वो लोग भी चलेंगे, तो हमने कहा क्यों नहीं, वेलकम, चलिए हमारे साथ घूमिए। एंड अभी हम जा रहे हैं, हमने दिल्ली गंज मेट्रो लाइन के कट से नीचे से लिया है एंड अभी हम जा रहे हैं गोपीनाथ बाजार। तो समझ में नहीं आता ये आधी लाइटें ख़राब क्यों होती हैं, और कुछ तो ऐसी होती है कि दिन में जल रही है रात को नहीं जल रही, और रात को जल रही है दिन में नहीं जल रही। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पूरी सेफ्टी के साथ आइए, क्योंकि यहाँ ट्रक वक बहुत चलते हैं एंड लाइट्स की भी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारा क्या, हम तो रेगुलरली राइड करते रहते हैं, ऐसे चैनल हमने अब शुरू करा है। अभी आपको कुछ देख नहीं रहा होगा, एकदम से देख लीजिए सारी लाइटें दोबारा बंद, मतलब कुछ बंद है लाइटें, कुछ जल रही हैं। हम लोग करते रहते हैं राइड्स, तो चलिए आप लोग व्लॉग एंजॉय करिए। तो वैसे जैसा आप देख सकते हैं हम लेट हैं, शॉन के दो दोस्त भी आ रहे थे। टाइम हो रहा है 5:25, यहाँ से अभी भी 15 मिनट का रास्ता तो है ही। मिलवाता हूँ उन दोनों से भी आपको इस व्लॉग में आगे चल के, तब तक देखते रहिए। सो गाइस, हमारे शॉन भाई की तबीयत थोड़ी बीच में ख़राब हो गई थी, उनको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा वॉमिटिंग से आ रहा था, लेट हो गए हैं ऑब्वियसली, 5:45 हो चुके हैं। अब किसी की तबीयत ख़राब हुई है तो रुकना तो होगा ही, एंड रुके थे, 5:45 हो चुके हैं ऑलरेडी, चल रहे हैं हम अपने मालचा महल की तरफ, तो चलते रहेंगे। रास्ता बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर आप साइकिल्स हैं, बाइक्स हैं, जैसे भी आए, जैसे भी आप राइड करना पसंद करते हैं तो आप आ सकते हैं। रोड बहुत अच्छी है एंड सुबह का नज़ारा ब्यूटीफुल। आप देखते रहिए आगे ब्लॉग, करता रहूँगा आपसे ही बातें। चलिए तो ये हम शॉन भाई हमारे, मैं से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, मैं रुका था ब्लॉग शूट कर रहे थे, अगर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लगी तो हो सकता है ब्लॉग यहीं पे एंड करना पड़े, हमारे को वापस जाना पड़े, तबीयत पहले ब्लॉग तो आगे शूट होते रहेंगे। और ये हमारे सनी भैया भी हैं, हमारी वेट कर रहे थे। शॉन, शॉन भाई ठीक हो? बाप भाई सब बढ़िया?
कर सकते हैं आगे कंटिन्यू। चलो डन है फिर, चलो तो ये आ गई मालचा महल की एंट्री। दिल्ली अर्थ स्टेशन का बोर्ड लगा होगा, आपको दिख जाएगा। एंड ये सारे मेरे दोस्त मेरे वेट कर रहे हैं, एक्चुअली वेट नहीं कर रहे, शॉन की साइकिल का टायर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वो देखते हैं रोड दिखा के फिर चलते हैं। सर थोड़ा सा आगे आते रहेंगे तो आपको ऐसा सा बैरिकेड मिलेगा जिसके आपको सीधा अंदर अंदर आना है। एंड ऐसा सा रास्ता होगा, थोड़ा सा ही आगे है वहाँ से एंट्री से। बीच में बहुत सारे बंदर थे, तो बहुत सारे थे तो उस चक्कर में लॉक कर नहीं पाया कि फ़ोन हाथ से छीन के भाग जाते हैं, कुछ भी होता उस चक्कर में शूट नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ थोड़ा रास्ता ऐसा सा है, तो यहाँ से बस 100 मीटर की चढ़ाई है एंड ऊपर आपको मालचा महल दिखेगा, आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ। एंड काफ़ी संभल संभल के चलना पड़ता है, यहाँ बहुत सारे कांटे हैं जैसे कि आप देख ही सकते हैं। पता नहीं कैमरा में इतना क्लियर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, कैक्टस बीच बीच में बहुत आ रहे हैं। बस ऊपर जाए जा रहे हैं, ये देखिए अभी बीच में भी आएंगे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मेरे को बताया किसी ने, यहाँ पे थोड़ी कटिंग हो चुकी है, देखिए बीच रास्ते में है। बट हाँ पिछली बार जब मैं आया था उससे तो कम ही है काफ़ी, तो चलिए देखते रहिए। मेरा हमारा मालचा महल देख सकते हैं कितना सुंदर है, काफ़ी पुराना सा है। चलिए यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, सीढ़ियाँ यहाँ पे। थोड़ी सी 15-20 सीढ़ियाँ हैं मुश्किल से। तो ये रहे हमारे शोन भाई, एंड हेलो, ये नए नाम तो था अपना पूर्वी, एंड तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे, मतलब सारा जंगल जंगल, बीच में ये महल, मतलब महल की छत ही समझ लीजिए। हम ऊपर खड़े हैं, लोग यहाँ पे आते हैं इन्जॉय करते हैं, हम भी आए हैं आप लोगों के एक ब्लॉग बनाने, हम लोग तो पहले भी आ चुके हैं कई बार, और काफ़ी सुंदर ये जगह है, आप लोग इन्जॉय करेंगे इसे अगर आएंगे तो, देख ही सकते हैं और इन्जॉय कीजिए और क्या। I need to kick the habit that my mind is breathing.
I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. So hey guys, हम निकल चुके हैं वहाँ से, हमने मालचा महल से अपने घर की तरफ, एंड काफ़ी अच्छा था, आप लोगों ने देखा ही होगा. अब आप सामने का रास्ता देख लीजिए, मेन रोड पे इसलिए चला रहे, बसेस बहुत हैं, इवन मेरे साइकिल की ब्रेक भी टूट चुकी है. थोड़ा रिस्क वाला काम है घर तक साइकिल पे जाना, बट कोई बात नहीं, ब्लॉग शूट करना है करेंगे. चलिए देखते रहिए. और हमारे चैनल के एक ओनर, ये हमारे दूसरे ओनर, ये आज हमारे साथ आए हैं स्कूटी पे. हेलो बोलो सर. हेलो जी, बताइए इतना लेट क्यों हो गए आप? कुछ नहीं, आपके राज में यही होगा. हमारे राज में देख रहे हो, अमीरी देख रहे हो, हम लोग साइकिल पे और ये स्कूटी पे. सही है, चलो सब अपने मज़े ले रहे हैं. तो आगे चल के देखते रहिए, व्लॉग में शूट करता रहूँगा, आप देखते रहिए. पर ये भी देखिए इनका बड़प्पन, ये हमारे साथ साइकिल के साथ साथ स्कूटी पे चल रहे हैं. चलिए आप देखते रहिए. दोस्तों, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मालचा महल से वापस घर जाते वक्त मैं आपको ज़्यादा शूट नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि मेरी साइकिल की ब्रेक टूट गई थी मालचा महल की एंट्रेंस से पहले. तो उसके बाद हम बिना ब्रेक के मैं साइकिल यहाँ तक लाया हूँ, अपने घर तक लेके जा रहा हूँ. एंड थोड़ी हम एक्चुअली मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम रेगुलर राइड करते रहते हैं, बट अगर ब्रेक ही फेल हो जाए साइकिल की तो हम कुछ उसमें भी कुछ कर नहीं सकते. तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ जाना पड़ता है. व्लॉग्स और भी आएंगे आगे, उसमें ये सब नहीं मिलेगा. और ठीक है, बट जैसे आगे की व्लॉग्स में ये ब्रेक फेल नहीं होगी, इसमें हो गई, अब अपनी लाइफ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, व्लॉग्स आगे बनेंगे. अब तो अपनी सेफ्टी देख के हम चला रहे हैं, पर लेकिन हमसे जितना हो सक रहा है हम शूट कर रहे हैं आपके लिए. मतलब एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ जिसमें ब्रेक भी नहीं है, एंड शूट भी कर रहा हूँ आप सभी के लिए. तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस पर. थैंक यू. आई नीड टू किक द हैबिट दैट माय माइंड इज ब्रीदिंग इन. ब्रेक आउट, आई हैव गॉट टू सी. स्पेंट ऑल माय लाइफ होल्डिंग ऑल ऑफ इट क्लोजली. आई प्लेड इट इनोसेंट, अ फील ऑफ डिसकंटेंट. आई फाइनली फेसिंग इट ऑल, फियरलेस. सो गाइस, हम पहुंच चुके अपने घर के पास, एंड अब मैं व्लॉग यहीं पर एंड कर रहा हूं. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद तो आई होगी, तभी तो आप यहां तक देख रहे हैं. तो आप इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक दीजिए, एंड अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर से दबाइए, ताकि हमारी अगली वीडियोज़ के लिए आप
अगली वीडियोज़ के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थोड़ा अटक इसलिए हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है ये, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। I'm a rider.